ठीक जा बैठ। देखो सुनो मेरी बात, इस चैप्टर को सिर्फ रिकैप इसलिए करवा दे रहे हैं क्योंकि ये जो है खास करके ये चैप्टर ये कंपटीशन के भी नज़र से बहुत सुंदर है, और दूसरी बात जब आपका 12th का MCQ आएगा ना तो इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बात समझ में आई? इसलिए इस चैप्टर का रिकैप होना बहुत अधिक जरूरी है। ठीक है, आपको ट्रिक में ध्यान रखना होगा, राजा किसान और नगर है कि नहीं, यानी ये जो पार्ट है क्या बोले थे, सिटी फार्मर एंड किंग्स है कि नहीं? देखो ध्यान से, इसमें ट्रिक है बाबू लोग, क्या ट्रिक है, नदिया किनारे, नदिया किनारे धान की खेती, नदिया किनारे धान की खेती, महाजन का, महाजन दिया सिक्का, महाजन दिया सिक्का, ठीक है। देखो मेरी बात समझो, ये मात्र एक ट्रिक नहीं है बल्कि इसके माध्यम से वो हर एक बात लिखा हुआ है जो आपको यहाँ जानकारी होना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ बोलो, नदिया किनारे एक बंगलो, नहीं जय जो जय, बोलो नदिया किनारे, नदिया किनारे धान की खेती, धान की खेती, नदिया किनारे धान की खेती, महाजन दिया, महाजन दिया पकड़ की हुई जीता चंदू, जीता चंदू, चंदू का पोता अशोक और हुआ उसका अंत, नदिया किनारे सिक्का दिया पकड़ के हुई जीता चंदू का पोता और हुआ उसका अंत, बोलो हाँ कि ना। अब ध्यान दो, नदिया किनारे मतलब क्या, गंगा नदी, समझ रहे कि नहीं? ये चैप्टर आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 600 BC से लेकर के 600, बोलो हाँ कि ना। तो आप यहां 600 से लेकर के 500 के बीच में क्या हुआ था भाई, धान की खेती हुआ था, क्या हुआ था, धान की खेती, कहां पर, नदिया किनारे यानी गंगा के किनारे, बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना। और यहां पर 500 से लेकर के 400 के बीच में तुम्हारा डेवलप कौन हुआ, मगध साम्राज्य, देखो लिखा है ना, नदिया किनारे धान की खेती, यहां तक क्लियर, नदिया किनारे धान की खेती, और रुक प्लीज बोलो, नदिया किनारे धान की खेती 600 से लेके 500 के बीच में, 600 से लेके 500 के ठीक उसी समय महाजनपद के साथ साथ 72 कम्युनिटी ने डेवलप कर लिया था, जिसमें से आपका जैन धर्म और बुद्ध धर्म आपके प्रमुख थे, कौन कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, मुख्य किसको कहा जाता है, महावीर स्वामी को, बोलो हाँ कि ना, और बुद्ध धर्म के गौतम बुद्ध, ठीक है आ जाओ, राधा सांस भी नहीं लेना, समझ में आ गया, आगे बढ़े yes, बोलो 600 से 500 के बीच में, बोलो 600 से 500 के बीच में धान की खेती, उसके बाद है 500 से 400, क्या बोला, महाजन, महाजन आया मतलब क्या, महाजनपद, महा महाजनपद, क्या दिया सिक्का, क्या दिया सिक्का, सिक्का चलेगा मेरा नाम का, बोलो हाँ कि ना, तो सिक्का किसका चल रहा था भाई, मगध का, महाजनपद में से सबसे खतरनाक कौन, मगध, कौन बाबू लोग, मगध, यानी कि मगधों का पकड़ बहुत ज्यादा था, यानी आपका टाइमिंग क्या चलाया, 400 के इधर पार, बोलो हाँ कि ना, कोई समस्या यहाँ पर, देखो 500 से लेकर 400 के बीच में महाजनपद में सबसे बड़ा पकड़ किसका था, मगध का, किसका पकड़ था, क्लियर है। अब मगध जैसे आया, इसमें से प्रतापी राजा कौन था, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन इससे पहले मगध का, मगध में जो संस्थापक कहलाया कौन कहलाया, बिंबिसार, कौन कहलाया, बिंबिसार का लड़का अजात शत्रु के लड़का उदाइन, सन्मार की नहीं, और ट्रिक मैंने बताया था हसीन मासूक शाह, बोलो हाँ कि ना, यानी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन वंश, सातवाहन वंश, बोलो हाँ कि ना। तो आप समझ रहे हो ना, हर्यक वंश में कौन था, बिंबिसार, ठीक है। तो इन लोग का पकड़ चल रहा था, इन लोग का सब कुछ था, लेकिन कब था, 500 से 400 के बीच में। अब सबसे अधिक पकड़ मगध पर किसका हुआ, मौर्य साम्राज्य का, किसका हुआ, किसका हुआ, अब मौर्य साम्राज्य, देखो क्या बोला, सिक्का किसका बाबू लोग, मगध का, पकड़कर हुई लड़ाई, मतलब किसको पकड़ा, सिकंदर को, किसको पकड़ा, सिकंदर को, और सिकंदर सिकंदर को ब्यास नदी पर ही कूट के भेज दिया था बाहर, बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब चंद्रगुप्त जब आया, सुन रहे हो ना, तो चंद्रगुप्त आया उससे पहले क्या था, सिकंदर, सिकंदर कब से बाबू लोग, 327 से लेकर के 325, बोलो हाँ कि ना, ईसा पूर्व, बोलो हाँ कि ना, 327 से लेकर के 325 के बीच में
सिकंदर आया, अटैक किया और कुटा करके फिर भाग गया। yeah. बोला हाँ कि ना? Yes, sir. उसके बाद होगा कौन? जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका होगा राज्य अभिषेक। क्या होगा इसका? राज्य अभिषेक। क्या कब हुआ इसका? 321 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का राज अभिषेक कब हुआ? 321 ईसा पूर्व में। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. सारे बोलो। Yes, sir. उसके बाद चंद्रगुप्त जीता। देखो क्या लिखा हुआ है, नदिया किनारे धान की खेती। सारे बोलो। महाजन दिया सिक्का, पकड़कर हुई लड़ाई, जीता चंदू, यानी इसका राज्याभिषेक हो गया। चंदू का नाती पोत, क्या नाम है भाई? ठीक है, पोता बोलो, हम नहीं जानते। ठीक है, नाती पोता हमारे हिसाब से एक है। ठीक है, तो चंदू का पोता अशोक, चंद्रगुप्त यानी मौर्य साम्राज्य में और खतरनाक राजा कौन है? अशोक। कौन है बोलो? अशोक। जब हम अशोक कहते हैं आपके दिमाग में 272 आना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? ईसा पूर्व से लेकर के कब तक? 231 है, श्योर है? 231। जब मैंने कहा अशोक, तो अशोक का टारगेट कहां तक हुआ? 272 से लेकर के, बोलो हाँ कि ना? 231। अब हुआ अंत। क्या हुआ अंत? आपको पता है जब अशोक ने हथियार उठाया था तो उसे कोई शौक नहीं होता था मारते हुए, मैंने उसे कोई गलानी नहीं होता, बस मारता था, मतलब मारता था। लेकिन जब इसने हथियार डाल दिया, इसके बाद सब इसके भगलोल राजा लोग आए। बोलो हाँ कि ना? इसका जैसे चमक किसी के तलवार में थी नहीं। बोलो हाँ कि ना? इसीलिए हो गया बहुत जल्दी इसके साम्राज्य का अंत, यानी कि मौर्य साम्राज्य का पतन। 185। क्या बोला? अंत हुआ। जब हमने अंत की बात किया था आपके दिमाग में 185 ईसा पूर्व आना, समझ में आया? Yes, sir. और ये सब घटना कहां की है बाबू लोग? नॉर्थ इंडिया की। कहां की? नॉर्थ इंडिया की। मिलके बोलो। नॉर्थ इंडिया। सारे बोलो। नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया की। हाँ कि ना? Yes, चलो एक बार फिर से। नदिया किनारे एक बंगलो, हमको यही याद आने लगता, तो क्या करें हम? आप नाचिए। चलो मेरी बात सुनो। नदिया किनारे धान की खेती। नदिया मतलब क्या? गंगा नदी। 600 से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच में चल क्या रहा था? महाजनपद। महाजनपद सिक्का दिया महाजन, सिक्का दिया महाजन, सिक्का चलेगा मेरा नाम का, यानी मगध। क्या बाबू लोग? मगध। 500 से लेकर 400 ईसा पूर्व। अब मगधों में सबसे अधिक पकड़ के लड़ाई होगी किसके साथ में भाई? सिकंदर के साथ में। ब्यास नदी पर कुटा के चला गया, यानी 327 से लेकर के 325 ईसा पूर्व के बीच में। बोलो हाँ कि ना? जीता कौन? चंदू। जीता कौन? चंदू मतलब चंद्रगुप्त मौर्य। और उसका हुआ राज्यरोहण, राज्य अभिषेक हुआ। बोलो हाँ कि ना? 328 ईसा पूर्व में। बोलो हाँ कि ना? कोई दिक्कत यहाँ पर? और उसका पोता, उसका पोता यानी कि अशोक, अशोक जिसको कोई शौक ना हो। बोलो हाँ कि ना? यानी कि आपका 272 से लेकर के 231 तक। बोलो हाँ कि ना? समझ आ रहा कि नहीं? पोता नहीं है प्यारे बच्चों। ये पूरा नॉर्थ की बात थी, अब आ जाता आपकी साउथ की बात। साउथ मतलब क्या? सात वाहन, मतलब ये पश्चिम इलाका, ये देख रहे हैं पश्चिम इलाका। यहाँ पर आपका सात वाहन, क्या बोलो? सात वाहन। यहाँ देखो बोलो, चैर, चौल, पान। साउथ दक्षिण दक्षिण भारत में तीन राजवंश जबरदस्त रूप से डेवलप कर रहे थे, नाम क्या था? चैर, चौल, पान। बोलो सारे मिलके बोलो, चैर, चौल, पान। यानी कि दक्षिण भारत आया, तो आप यहाँ क्या लिखना, यहाँ ध्यान दो ना, 200 से लेकर के 100 ईसा। बोलो हाँ कि ना? यही है ना? दो, हाँ ठीक है, ठीक ठीक बोलिए। 200 से लेके 100 ईसा पूर्व में, 200 से लेके 100 ईसा पूर्व में क्या आया? बोलो सातवाहन, दक्कन, चैर, चौल, पांड। सातवाहन, दक्कन, चैर, चौल। कब की बात है? सक शासन सातवाहन और दक्षिण के राजाओं के बारे में। बोलो हाँ कि ना? ये सब किधर थे? पश्चिम और दक्षिण के और पीछे बैठे। बोलो हाँ कि ना? अब इनमें से समझो 200 100 हो गया कि नहीं हो गया? अब एक और पॉइंट याद रखिएगा, 100 से 200 ईसा पूर्व के बीच में, ठीक है? याद हो क्योंकि बाबू लोग, अब 100 से लेकर के 200 ईस्वी तक, ईस्वी यानी 100 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक 300 साल का यहां पर जगह है। और इसमें से आया आपका रोमन। कौन आया बाबू लोग? कौन आया आपका? रोमन अंपायर का यहां पर प्रभुत्व होने लगा। और इसी के बीच में क्या होता है, ये रोमन अंपायर कब आया? 100 में। कब आया? 100 ईस्वी में। कब आया? 100 ईस्वी में। उसके बाद आ जाता आपका 78। क्या आता है? 78। और 78 ईस्वी में कौन आता है? कनिष्क। कौन आता है जी? कौन आता है? यानी कनिष्क का राजरोहण, कनिष्क का उड़ीसा का राजवंश। बोलो हाँ कि ना? कनिष्क का राजवंश 78 ईस्वी में। सारे बोलो, जोर से बोलो, 78 ईस्वी में। याद रहेगा? यस सर। पक्का? यस सर। चलो यहां तक हो गया,
यानी यहां तक कहां चले, बीसी से लेकर ईस्वी तक। अब चलेंगे कहां, सिर्फ ईस्वी। कब चलेंगे आप लोग, सिर्फ ईस्वी। ठीक है, कहां गया मिटाने वाला, बोलो। 100 ईस्वी से लेकर के 200 ईस्वी तक, 100 से लेकर के 200 ईस्वी तक, याद रहेगा। अब देखो यहां पर है भूमिदान की चर्चा। कौन सी चर्चा बोलो, भूमि भूमिदान। यानी कि देखो ब्राह्मणों में बहुत अधिक भूमिदान की चर्चा। पहले लोग ब्राह्मणों को भूमि दान देते थे, गौ दान देते थे, जमीन जायदाद दान में दिया करते थे। समझ रहे कि नहीं? तो इसकी चर्चा कब से कब के बीच में है बाबू लोग, 100 ईस्वी से लेकर के 200 ईसा, बोलो। हाँ कि ना? हाँ, आपका 185 में खत्म हो गया आपका पूरा मगध ऊपर, यानी उत्तर भारत खत्म। नीचे चला या पश्चिमोत्तर में शक यानी सातवाहन, और दक्षिण में चैरचाल और पांड और दक्कन का क्षेत्र, बोलो। हाँ कि ना? Yes, तो यहां से चलते हुए मैंने 100 ईसा पूर्व में बताया कि रोमन साम्राज्य आ चुका था। उसके बाद 78 में आया राजा कनिष्क का राज रोहन, बोलो। हाँ कि ना? Yes, उसके बाद आया आपका 100 से लेकर के 200 ईस्वी तक। ये सब क्या है, ईस्वी। क्या बाबू लोग, ईस्वी। यानी ये चल रहा है एडी वाला बात। तो यहां पर शक शासक सातवाहन, सुन रहे हो ना? शक शासक शासक सातवाहन, और सातवाहन के साथ में कौन प्यारे, बोलो। शक सातवाहन, शक सातवाहन, इनका यहां पर भूमि दान देने का प्रचलन स्टार्ट हुआ। इसका प्रमाण इसी काल में पाया जाता है। बोलो कोई दिक्कत यहां पर, कोई समस्या? उसके बाद चलाएगा आपका गुप्त। क्या चलाएगा? नहीं नहीं, चलो देखो गुप्त काल कब स्टार्ट हुआ, 320 ईस्वी में, 320 ईस्वी में, गुप्त काल 320 ईस्वी में, बोलो। हाँ कि ना? और गुप्त वंश में सबसे प्रतापी राजा कौन था, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। इसे कहते हैं भारत का नेपोलियन, और इसका टाइमिंग 335 से लेकर के 75 ईस्वी तक, सबास। समझ आ रहा कि नहीं? 335 से लेकर के 375 ईस्वी के बीच में, बोलो। हाँ कि ना? इसके बारे में कहा जाता है इसका घोड़ा तीनों समुद्र का पानी पीता था, क्योंकि इसका प्रभुत्व बहुत ज्यादा था, एक भी युद्ध हारा नहीं था, बोलो। हाँ कि ना? अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। समझ आ रहा कि नहीं? अब सुन रहे हो ना, गुप्त वंश प्रतापी कौन, समुद्रगुप्त। कौन बाबू लोग, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बाद आगे कौन आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। हाँ कि ना? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य का उपाधि दिया गया था। कौन सी उपाधि? अब ये चलते हैं आपके 375 से लेकर के 415 ईस्वी तक, बोलो। हाँ कि ना? और इसमें से इस टाइम में जानकारी मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में और वाकाटक के बारे में। क्या बाबू लोग, वाकाटक। अब ये वाकाटक क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे का नाम था प्रभावती गुप्त, बोलो। हाँ कि ना? और वो वाकाटक के राजा से ब्याह किए थे, वहां पर जाकर अपना शासन चलाई थी और भूमि बहुत अधिक दान दी थी, बोलो। हाँ कि ना? हाँ कि ना? समझ में आया? इसीलिए गुप्त वंश 320, इसमें प्रतापी राजा समुद्रगुप्त 335 से लेकर के 75 तक। उसके बाद आया आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, जहां पर जानकारी मिलता है वाकाटक और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, 375 से लेकर के 415 तक, बोलो। हाँ कि ना? श्योर है? चलो अरे आगे बढ़े बाबू लोग, चलो बोलो। इसके बाद 500 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी तक यहां पर दो साम्राज्य डेवलप करते हैं, एक कर्नाटक में और एक तमिलनाडु में। कहां पर, कहां पर, जोर से बोलो, कर्नाटक में चालुक्य, कर्नाटक में चालुक्य, और तमिलनाडु में पल्लव, तमिलनाडु में पल्लव, पल्लव 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 में तो ढेर सारा हो गया पल्लव। क्या बाबू लोग, पल्लव। कर्नाटक में चालुक्य और आपका तमिलनाडु में पल्लव, ठीक है। उसके बाद आगे आपका 600 से पार, यानी अब हर्षवर्धन आखिरी हिंदू राजा का, बोलो। हाँ कि ना? तो हर्षवर्धन का टाइमिंग मिलता है बाबू लोग 600-647 तक, बोलो। हाँ कि ना? चलो 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक यहां पर क्या जानकारी मिलता है राजा हर्षवर्धन के बारे में। ये कहां के राजा थे, कन्नौज के, कहां के राजा थे, कन्नौज के। तो कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी है, और इनके समय में आए थे हेनसांग। कौन आए थे बाबू लोग, जिन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इन्होंने नालंदा में पढ़ाई किया और वहीं पर प्रोफेसर बन गया। फिर ये जो कॉलेज का जो संस्थापक थे, जो भी कोऑर्डिनेटर थे, इन्हीं हाथ में चल गया, जिसकी वजह से इनका जोरदार विरोध भी हुआ था, बोलो। हाँ कि ना? हर्षवर्धन ऐसा राजा था कि अपनी सारी उपाधियां, अपना सारा जो बाहुबल था, वो अपनी बहन के नाम कर दिया था। और इन्होंने बंगाल के जाके शशांक राजा को कूट करके, घसीट करके अपने क्षेत्र में लाके मारा था, क्योंकि इसके भैया को उसी ने मारा था, बोलो। हाँ कि ना? समझ आया कि नहीं आया? बोलो कोई दिक्कत? उसके बाद 712 में पहली बार भारत में मुस्लिम आक्रांता, यानी कि अरब देश के लोगों ने भारत के सिंध पर अटैक किया, बोलो। हाँ कि ना? कब की बात है बाबू लोग, 712 में, 712 में। और जानकारी मिलता है 712 नहीं, 713 में मीर कासिम यहां पर एंट्री मारे थे। 712 में सिंध क्षेत्र में आया था मीर कासिम, उसके बाद 713 में एंट्री भारत में कर चुका था, बोलो। हाँ कि ना? कहां से चले, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक, उससे पार भी, बोलो। हाँ कि ना? एक साथ
नदिया किनारे धान की खेती, महाजन दिया सिक्का, महाजन दिया सिक्का, पकड़ के हुई लड़ाई, पकड़ के हुई लड़ाई, पकड़ के हुई लड़ाई, जीता चंदू, जीता चंदू, उसका पोता और हुआ उसका अंत। बोलो हाँ कि ना। तो धान की खेती 600 से लेकर के 500 ईसा पूर्व में महाजन पदों को चल रहा था। सिक्का, सिक्का यानी के मगध, सिक्का यानी के मगध, मगध सबसे बड़ा था। और पकड़ के हुई लड़ाई यानी सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, और जब इसकी लड़ाई हुई तो जीता कौन? चंदू यानी चंद्रगुप्त मौर्य, और उसका पोता का नाम था अशोक। अशोक यानी कि 272 से लेकर के आपका 272 तक। बोलो हाँ कि ना। उसके बाद अशोक यानी कि पूरा मौर्य का